लोटस वर्ल्ड एंटरटेनमेंट गारंटीड। नमस्कार मित्रों, राकेश गंजू आपका होस्ट और दोस्त लोटस वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेलबर्न में क्रिसमस है आज 25 दिसंबर और हमारी छुट्टियां चालू हुई है, तो अभी हम घूमने जा रहे हैं ग्रेट ओशन रोड का। एक ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, एक रोड है, जैसे कि मुंबई में मैरीन ड्राइव है, वैसे ही ये रोड है। यहाँ पे बहुत ही मशहूर रोड है, उसके ऊपर बहुत सारे लुकआउट पॉइंट्स हैं। अगर आपने सुना होगा एक ये गाना है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, वो जो गाना है वो भी जिस लंदन ब्रिज की बात हो रही है वो भी इसी रोड पे आता है। जो आप ये टनल देख रहे हैं इसको इसका नाम है वेस्ट गेट ब्रिज। ये टनल एक्चुअली नहीं है, ये ब्रिज है ऊपर और नीचे से हम जा रहे हैं। ये पूरा ऑलमोस्ट पूरा सिटी कवर कर देता है, ऊपर रिवर वगैरह है, इसमें बहुत कुछ है। तो ये हमारा ट्रैवल टाइम कुछ बहुत अच्छा खासा सेव करता है। अगर आपको मेलबर्न जो सिटी है CBD को में एंटर नहीं होना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैं हमेशा अगर मुझे मेलबर्न सिटी नहीं जाना तो मैं इसी रूट का उपयोग करता हूँ। ये टोल है, यहाँ पर टोल देना पड़ता है, टोल रोड है, लेकिन एफर्टलेस ड्राइविंग हो जाती है। यहाँ पे इसका 80 किलोमीटर का स्पीड है, लिमिट है इस रोड पे, स्पेशली जब हम ये टनल क्रॉस करते हैं। और ये हमें मुंबई पुणे रोड की टनल की याद दिलाती है। यस, पहुंच गई मैं मुंबई। हमको जीलोंग जाना है, वी हैव टू टेक द जीलोंग रोड। जो ये रास्ता है M1 है, सीधे जीलोंग जाता है, हमको M1 को छोड़ना नहीं। जीलोंग से फिर कोई ना कोई आधा घंटा और है। स्पीड लिमिट यहाँ पे मैटर करती है, इंडिया की तरह नहीं है कि आपने स्पीड ओवर स्पीड किया तो चलेगा। यहाँ पे स्पीड ओवर स्पीड करोगे तो आपका पक्का चालान कटेगा। और चालान ठीक है, चालान कटेगा तो चलेगा, लेकिन आपके डीमेरिट पॉइंट्स भी मिलते हैं। किसी भी समय आपके लाइसेंस पे 12 से ज़्यादा डीमेरिट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, और जो भी डीमेरिट पॉइंट आता है वो 3 साल तक एक्टिव रहता है आपके लाइसेंस पे। तो किसी भी समय आपके लाइसेंस पे 12 से ज़्यादा डीमेरिट पॉइंट हुए या 12वीं डीमेरिट पॉइंट हुए तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप ड्राइविंग जो करो विद इन द स्पीड लिमिट करो। अभी यहाँ पे 80 की स्पीड है और मैं 78 पे गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ पे आगे एक ब्रिज आने वाला है, बहुत ही सुंदर ब्रिज, वहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। ये समंदर के ऊपर ब्रिज है, ये यारा रिवर जो है, यारा रिवर आगे समंदर में जब मिलती है वो जो समंदर का पार्ट है उसके ऊपर ये ब्रिज है। जैसे कि मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक है, वैसा ही ये ब्रिज है। इस ब्रिज पे आप पैदल नहीं चल सकते हो, इस ब्रिज पे साइकिल अलाउड नहीं है। और इसी के साथ हमें लग रही है बड़ी भूख, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मुझे हर 5 मिनट में भूख लगती है, इसलिए मैम ने अपना ब्रेकफास्ट साथ में लाया। ये है काव्या। काव्या क्या कर रही हो? ये हमारी पैकिंग है, जो पूरी कार फुल हो गई है हमारी पैकिंग में, हमें हर कोना कार का पैक हो गया है। मेरे पैर की नीचे भी सामान, और रिधान सोया हुआ है। रिधान का सर ठीक कर। मैंने रात भर 3 बजे तक पैकिंग की है और हमने नींद भी नहीं की है। 4 बजे का प्लान था निकलने का, मगर हम निकले हैं कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे बच्चे नींद से उठते नहीं है, टाइम पे कुछ होता नहीं है। या हवा हो पेट्रोल हो, आपको खुद ही भरनी पड़ती है, फिर जाके आपको बिल देना पड़ता है। हवा का कोई बिल नहीं है। अभी हम जीलोंग हैं, ये रीजनल विक्टोरिया आता है मेलबर्न से बाहर। अभी और हमको 40 किलोमीटर चलना है, उसके बाद हमारा पहला बीच आएगा। गाड़ी जब मैं चला रहा था तो गाड़ी बहुत राइट में जा रही थी, तो बार बार मुझे उसको कंट्रोल करना पड़ रहा था।
तो मैं समझ गया था कि इसमें हवा कम है, तो उसके बाद पहला पेट्रोल पंप आया, लेफ्ट साइड से हवा ऑलमोस्ट ठीक थी, लेकिन राइट साइड से हवा बहुत ही कम थी। तो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे, एक रास्ते में एक पेट्रोल पंप है, तो मेरे बच्चों को थोड़ी भूख लगी थी तो यहाँ पे वो कुछ बर्गर वगैरह लेंगे, फिर हम निकलेंगे। गाड़ी पूरी पैक है मेरी, सामान पूरा साथ लेना पड़ता है, तो यहाँ से अभी और कुछ 55 किलोमीटर बता रहा है टॉर्की बीच, कुछ आधा घंटा और है। मैं आपको हाईवे के तो नज़ारे बता दूँ, ये हाईवे है यहाँ की, इस पे स्पीड जो है वो है 100 किलोमीटर पर आवर, इसी पे मैं आया था, मैं यहाँ से आया था और अब मुझे जाना है इस साइड। हमारा जो प्लान है कि हम शायद लॉनी बीच में हम लंच का मेरा था प्लान, लेकिन देखते हैं लॉन में लंच हो पाएगा कि नहीं। लॉन में एक इंडियन रेस्टोरेंट है रास लीला करके, और वो एक कश्मीरी हिंदू का ही रेस्टोरेंट है। तो गाइज अभी हम जो जीलोंग में एक पेट्रोल पंप था यहाँ से निकल चुके हैं, अभी भी 53 किलोमीटर बता रहा है और 40 मिनट के आसपास की का ट्रैवल टाइम बता रहा है। मेलबर्न में दो एयरपोर्ट है, एक मेलबर्न एयरपोर्ट है, एक एवलॉन एयरपोर्ट है, तो एवलॉन एयरपोर्ट यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, जीलोंग में आता है एवलॉन एयरपोर्ट, छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट है ज्यादातर यहाँ से निकलती है। गाइज हमको टॉर्की बीच पहुंचने के लिए 30 से 35 मिनट और लगने वाले हैं। टॉर्की बीच में जो जो एक्टिविटीज़ होंगी और जो जो नज़ारे वहां के होंगे उनका मैं अलग से एक वीलॉग बनाऊंगा और वो अलग से मेरी लोटस वर्ल्ड चैनल पे रिलीज होगा। इस वीलॉग में खाली डैंडेनोंग से लेके टॉर्की बीच तक जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली थी वो मैंने कवर की है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो हमारा जो ट्रैवल है, जो ट्रैवल व्लॉग है, ये डैंडेनोंग से टॉर्की बीच पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि आपको ये ट्रैवल व्लॉग कैसा लगा। तो इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल का आइकन उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। चलो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में जो कि है टॉर्की बीच, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।